आज हम लोग एमीन्स की प्रैक्टिस करेंगे। एमीन्स के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आया हूं और ये फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री एमीन्स प्रैक्टिस एमसीक्यूज है। पहले तो आपको ये जानकारी दे दूं कि केंद्रीय विद्यालय की जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, पीजीटी की जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है कि एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर ये क्लासेस मैं शुरू करता हूँ और फ्री आपको मैंने बोला भी है करूंगा, जनवरी फरवरी और मार्च में 3 महीने तक की फ्री क्लासेस चलेंगे। उसमें जो लोग तैयारी करना चाह रहे होंगे और प्रॉपर वे में तैयारी करना चाह रहे होंगे तो फिर आप एरोमा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसी के थ्रू अब कंफर्म हो गया कि क्लासेस उसी ऐप पर ही होंगी, तो ऐप को ज्यादा से ज्यादा लोग डाउनलोड करें जिससे कि आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल पाए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये क्वेश्चंस सभी इंपॉर्टेंट है और कोई भी क्वेश्चन आप छोड़े नहीं, प्रॉपर वे में सभी क्वेश्चंस आप करते रहिए जिससे कि आपको ये मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिल पाएंगे। तो ये हमारा एक बुक है, बुकलेट बना हुआ है जिसका नाम है फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा अपना बनाया हुआ बुकलेट है और इसी को ही हम लोग क्वेश्चन इसी के ही सॉल्व किया करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चले आते हैं। इसमें डिफरेंट किताबों से क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं, डिफरेंट सेट्स कलेक्ट किए गए हैं, वही मैटर हम आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डेरिवेटिव ऑफ द अमोनिया। कौन सा इसमें अमोनिया का डेरिवेटिव है तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, अमोनिया के डेरिवेटिव तो ये सभी दिख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि अमोनिया का एक हाइड्रोजन अगर आप रिप्लेस कर दें, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, और दो कर दें तो ये मिल जाएगा। तो मीन्स ऑल ऑफ द अबव इसमें एग्जाम्पल लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 3 डिग्री एमीन। इसमें कौन सा 3 डिग्री एमीन है तो आपको पता होगा कि 3 डिग्री एमीन की अगर मैं बात करता हूं तो मेन बात यह है कि कार्बन जुड़ा होना चाहिए, है ना। तो एक कार्बन की तीनों वैलेंसी जो है वो एल्काइल ग्रुप से, कार्बन सॉरी नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से जुड़ी होनी चाहिए। तो टर्ट ब्यूटाइल एमीन, यानी टर्ट ब्यूटाइल एन मिथाइल एमिलीन तो नहीं हो सकता क्योंकि NH2 है यहाँ पर। यहाँ पर ट्राई इथाइल एमीन, ये भी हो सकता है ट्राई इथाइल एमीन। तो अगर मैं ट्राई इथाइल एमीन की बात करता हूँ तो मुझे लग रहा है यही बेटर एग्जाम्पल होगा। तीनों वैलेंसी इथाइल ग्रुप से सेटिस्फाइड है यहाँ पर, यही एग्जाम्पल आप टिक भी कर लीजिए। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड द ज्योमेट्री ऑफ द एमीन्स। एमीन्स की अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 होती है, और ज्योमेट्री अगर मैं नोटिस करता हूँ तो ज्योमेट्री की खास बात ये होती है कि यानी कि मैं अगर सिंपल बात कर लेता हूँ तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एमीन्स, यानी एमीन्स में मैं RNH2 ले लेता हूँ तो R ऐसे हो गया और NH2 मैंने ये बनाया, तो इसका मतलब हुआ कि ये sp2 हाइब्रिडाइज तो नहीं होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा। एक बार तो sp3 हाइब्रिडाइज पिरामिडल शेप होती क्योंकि अमोनिया की ही शेप इसमें रहती। तो फोर्थ आंसर इसका सही कर लीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। इन कन्वर्जन में कौन सा यूज नहीं हो सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस कन्वर्जन के अंदर अगर हम लोग चाहेंगे तो SnCl2 और HCl यूज नहीं होता है, ये यूज नहीं होता, बाकी सभी यूज किए जाते हैं। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर फिर आप फोर्थ ही लगाइए। बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन प्राइमरी एमीन्स फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। यानी कहने का मतलब कार्बन का नंबर चेंज हो जाता है, हॉफमैन्स में चेंज हो जाता है, और सैंडमेयर अगर रिएक्शन देते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन मानते हैं कि यहाँ पर भी कार्बन का नंबर, भाई अगर मैं सैंडमेयर रिएक्शन की बात करूंगा तो पहले N2Cl में से घटाऊंगा विदाउट चेंजिंग, तो कार्बन का नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। और रिएक्शन विद अमोनिया तो इसका मतलब बेस्ट मेथड भी होना चाहिए। तो हॉफमैन्स ब्रोमाइड बेस्ट है लेकिन ये मेथड नंबर को घटा देता है, तो ये तो कट हो जाता है। नंबर 1 इसे आप कट कर दीजिए, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में अगर हम लोग एल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो RNH2, यानी कि यहाँ नंबर फिक्स रहता है और बेस्ट मेथड भी माना जाता है। सैंडमेयर ये प्रॉपर मेथड नहीं है, ये कन्वर्जन मेथड माने जाते हैं, तो इसलिए आप सेकंड पर टिक करिएगा, इन दोनों को लीव कर दीजिएगा। 1 यहां से भी जाएगा। IUPAC नेम अगर मैं इसका देखता हूं तो आपको लंबी कार्बन की चेन यहां पर दिखाई दे रही, तो ये NH2 है, ये NH2 है, तो 1 ethane हो गया, 1,2 diamine हो गया। तो अगर नाम की बात करता हूँ तो सिक्स्थ वाले कंपाउंड का जो नाम होगा इथेन 1,2 diamine हो जाएगा। ई इसमें लगेगा क्योंकि आज का जो मॉडर्न IUPAC है उसमें ई को लगाया गया है। द करेक्ट IUPAC नेम, इसका भी करेक्ट IUPAC नेम आपको पता होना चाहिए,
क्या है इसका आईयूपीएसी नेम, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एन पे इथाइल हो गया, एन सॉरी एन पे मिथाइल हो गया, तो ये आपका एन मिथाइल हो गया, प्रॉप हो गया, टू हो गया, इन हो गया, वन एमीन हो गया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि सेवेंथ वाले का अगर मैं आंसर देखता हूँ तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि यही भाई आंसर इसका सही होगा। इन द गिवन रिएक्शन, ये तो बिना ऑप्शन देखे ही आप लगा सकते हो कि अगर इसके ऑप्शन ना भी देखो तो SnCl2 और HCl इसमें यूज होता है, या SnSn/HCl भी यूज हो सकता है, दोनों में से एक होगा। तो SnSn अगर है तो बेस्ट एग्जांपल मेरे हिसाब से फिर वही हो जाना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द गिवन SnHCl, यानी कि इसका मतलब एट का जो आंसर है वो हम लोग लगा लेते हैं। अगर मैं देखता हूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स, अच्छा एस भी लगा तो ये तो यूज होता ही, बाकी तो ये दोनों हो ही जाएंगे। ये एक्चुअल में क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होता है, ये कॉमन, तो फिर दोनों हो गए, तो ऑल ऑफ द अबव पे आप लगाइए, फिर यहाँ पर आंसर आपका सभी हो जाएगा। नाइन्थ वाले क्वेश्चन पे, कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट्स विद अमोनिया, कार्बोनिल कंपाउंड अमोनिया से रिएक्शन करते हैं और उसके फॉलोड बाय, तो ये इसका मतलब हुआ कि इस रिएक्शन को अगर मैं नाम देना चाहूँ तो रिडक्टिव एमिनेशन बोला जा सकता है इसको, यानी थर्ड पार्ट होगा इसका, इसका थर्ड पार्ट पे रहिएगा। द सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन इन गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ द एमीन, द सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन इन गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ द, इसमें नाइट्रोजन कहाँ से यूज की जाती है, तो टेंथ वाले क्वेश्चन को अगर मैं देखना चाहूँ तो आपने नाइट्रोजन पोटेशियम थैलीमाइड जो देखा होगा, तो पोटेशियम थैलीमाइड ही मेन सोर्स नाइट्रोजन का रहता है, वही एमीन में नाइट्रोजन जुड़ता है। मैच द फॉलोइंग में चलिए, तो मैच द फॉलोइंग में करेक्ट ऑप्शन आपको कोड करना है, तो ऊपर वाला जो कंपाउंड है, जो ये वाला कंपाउंड आपको ये प्राइमरी अमीन दिख रहा है, ये बी वाला जो है ये आपका टर्सरी अमीन दिख रहा है, और ये सेकेंडरी, तो ए वाला जो है प्राइमरी, ए का फर्स्ट होगा और बी का जो है ऑप्शन आपका आ जाएगा सेकेंडरी, ये आपका टर्सरी अमीन आ गया, तो टर्सरी अमीन का मतलब ये होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका टू इसमें जाना चाहिए। ग्यारहवां क्वेश्चन जो है इसके टू के ऑप्शन को आप टिक करिएगा, यहाँ पर टिक कर लीजिए इसको। चलते हैं आगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अमोनोलिसिस, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अमोनोलिसिस, इट इज द प्रोसेस ऑफ द क्लीवेज ऑफ ए CX बॉन्ड बाय द अमोनिया। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन एन ओपन ट्यूब, ये रिएक्शन ओपन ट्यूब में हो सकती है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, 12 वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ, 12 वाले क्वेश्चन में इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ, ये तो ठीक है, लेकिन ये ओपन चेन मतलब ओपन ट्यूब में नहीं हो सकती, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट इन द रिएक्शन, ये आपको दिखी रही था, करेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। इट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या, तो आपको बताना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ये ऑक्सीडेशन नहीं है द रिएक्शन, ये ठीक है, तो इसका मतलब ओनली सेकेंड में ही, चलिए वहाँ ओनली वन था, यहाँ ओनली सेकेंड हो गया। चलिए 14 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड नॉट बी अ गुड चॉइस ऑफ द रिड्यूसिंग एन एराइल नाइट्रो कंपाउंड टू एन एमीन, तो यानी कि इसमें कौन सा कंपाउंड है जो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड नॉट बी अ गुड चॉइस ऑफ द रिड्यूसिंग एन एराइल नाइट्रो कंपाउंड इनटू द एमीन। तो 14 वाले का जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि नॉट गुड चॉइस में LiLH4 यानी ईथर नहीं कर सकते हम लोग, बाकी तो सब यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर सेकेंड वाले का। इसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस, इसमें सीक्वेंस को कंसीडर करना है, इन द अबव सीक्वेंस ए एंड सी, तो यहाँ पर अगर आपने रिडक्शन कराया सी मिला NOCl, तो यहाँ पर एल्कोहल आया होगा और यहाँ एल्डिहाइड आया होगा, और यहाँ रिडक्शन कराओगे तो यहाँ एल्कोहल NOCl से नहीं, एल्कोहल नहीं आया होगा, यहाँ पर आया होगा N2Cl, यानी कि कंडीशन आपके हिसाब से 15 के हिसाब से बननी चाहिए। ये तो एल्डिहाइड है, ये तो एल्डिहाइड है क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, तो ए को तो एल्डिहाइड देखो, तो एल्डिहाइड एक ये मिथेनल, मिथेनल होगा नहीं, इथेनल भी है, एसिटाल्डिहाइड भी है। तो चलिए दूसरी बात, ये अगर मैं बी बी पार्ट ले लेता हूँ, ऑक्साइम बन जाएगा, ऑक्साइम का रिडक्शन कराओगे तो एमीन बनेगा, तो यानी कि फिर इथाइल एमीन, तो इसका मतलब हुआ फिर ऑप्शन नंबर 4th पे आप टिक कर लीजिए। 16 पे आइए, एमीन इज नॉट फॉर्मड इन द रिएक्शन, अमीन किसमें नहीं बनेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाता है, तो 16 वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट वाला
बे हो गया ऑप्शन डी, ये तो बन जाएगा, आई मीन ये भी बन जाएगा, आई मीन हाइड्रोलिसिस अब इससे भी नहीं बनेगा, तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आप टिक करिएगा, सेकंड ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। इथाइल आइसोसाइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस इन द एसिडिक मीडियम जनरेट, इथाइल आइसोसाइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस इन द एसिडिक मीडियम जनरेट, क्या जनरेट करेगा इथाइल आइसोसाइनाइड एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराओगे? तो इसमें मेरे हिसाब से एक ऑक्सैलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और एक एमीन बनना चाहिए, तो एमीन कार्बो मिथाइल एमीन इथेनोइक एसिड, लेकिन इथाइल आइसोसाइनाइड है तो यानी एक तो इथाइल एमीन बन जाएगा और एक फॉर्मिक एसिड यानी कि मिथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो सिंपल सा आंसर नंबर हम लोग 1 टिक कर लेते हैं इसमें, ठीक है। 18 में चले आइए, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 1 डिग्री एमीन फ्रॉम एन एल्काइल हैलाइड विद द साइमल्टेनियस एडिशन ऑफ द 1 CH2 ग्रुप इन द कार्बन चेन, द रिएजेंट यूज्ड सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन। तो 18 का जो आंसर आपको लगना चाहिए, 18 में इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 1 डिग्री एमीन, तो इसका मतलब है CH2 ग्रुप इज कार्बन चेन, तो इसका AgCN, ये तो सब होंगे नहीं, KCN लगाना पड़ेगा क्योंकि AgCN में उल्टा लगता है, यहाँ CN लगेगा, तो फिर पोटेशियम साइनाइड हमको यूज करना चाहिए। 19 पे चल लेते हैं, द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड इंटू 1-फिनाइल प्रोपेनम, यानी कि 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड है, तो 2 पे फिनाइल लगाना चाहिए और प्रोपेनामाइड एमाइड यानी कि प्रोपेनामाइड, तो फिर हमारे साथ ये हो गया CH3 CH2 CH3 CH2 CONH2 CH3 CH2 CONH2, ये हो गया आपका प्रोपेनामाइड, ठीक है। 2 पे फिनाइल यानी यहाँ पर मैं फिनाइल लगा देता हूँ, ये फिनाइल 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड ये हो गया, इंटू 2-फिनाइल इंटू 1-फिनाइल इथाइल एमीन, तो इसका हॉफमेंस ब्रोमाइड करा दीजिए, और हॉफमेंस ब्रोमाइड कराने के लिए आपको NaOH और Br2 की जरूरत पड़नी चाहिए, तो यहाँ पर NaOH और Br2 डाल दीजिए, यानी कि हॉफमेंस ब्रोमाइड रिएक्शन आपको करानी पड़ेगी। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप मिस करते हैं तो इसका मतलब आप अपना नुकसान कर रहे हैं। इस चैनल पर बने रहेंगे, अप टू द मार्क रहेंगे, अदरवाइज इधर उधर भटकते रहोगे तो वही लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन लेते रहोगे, कोई मतलब नहीं बनेगा, वो सिर्फ 15-20 क्वेश्चंस एक आध साथी हैं जो करा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो आपको बहुत प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं, एक आध को छोड़ दीजिए, बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि बाकी चैनल पर क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं, लोग दे रहे होंगे लेकिन वो प्रॉपर जो मेथड से देना चाहिए वो मेथड से ज्यादातर लोग क्वेश्चन नहीं देते हैं, 2-4 लोग दे रहे हैं। चलिए अब 20 वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट वुड बी द साइड प्रोडक्ट फॉर्म्ड विद प्राइमरी एमीन इन द हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में जो साइड प्रोडक्ट होता है, अगर आपने NaOH लिया होता तो यानी कि सिंपल सी बात है कि मैं अगर साइड प्रोडक्ट की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर NaOH लिया होता तो NaBr होता है H2 और Na2CO3 निकलता है, जैसे K2CO3 निकलता है, अगर KBr निकलता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 लगाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द हॉफमैन्स रिएक्शन। 21 रिएक्शन का आंसर, 21 का आंसर मैं आपसे पूछूंगा, इसे आप होमवर्क में नोट कर लीजिए, 21 का आंसर आप इनबॉक्स के कमेंट में जाकर के डाल दीजिएगा, पढ़ लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए और आराम से इसे करके बताइएगा कि ये सर सब सर करेंगे तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। इसमें दिया है मंगस, द गिवन सेट ऑफ द रिएक्टेंट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिपेयरिंग 2-डिग्री एमीन, 2-डिग्री एमीन को बनाने के लिए सबसे बढ़िया मेथड आपका कौन सा है? तो 2-डिग्री एमीन बनाने के लिए पहले आप एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से आपका H2O निकल जाएगा, उसका रिडक्शन करा दिए, मतलब ये थर्ड वाला ऑप्शन एकदम डिट्टो साफ दिखाई दे रहा है, इसी को लगा लीजिएगा। 23rd पे चले आइए, 23rd में अगर आपका कॉलम ये रिएक्शन दे रखा है, ये नेम दे रखा है, तो मैं आपको से ये कहना चाहूंगा कि एक तो रिएक्शन इसमें मेंडियर रिएक्शन है, एक मेंडियस है, एक गिरनार्ड है, एक हॉफमैन्स है, तो सबसे पहले भैया हम हॉफमैन्स ही ढूंढ लेते हैं क्योंकि मुझे यही आती है हॉफमैन्स रिएक्शन, यानी बी का थर्ड, तो बी का थर्ड केवल 2 ऑप्शन में दे रखा है। चलिए अब हम लोग इस पे चले आते हैं, इसमें क्या होगा कि दोनों चीजें जुड़ेंगी, तो 23 वाले में जो दोनों चीजें जुड़ेंगी तो ऑप्शन का मतलब हुआ कि बी का जो होगा ये रिटर रिएक्शन कहलाती है, तो इसका मतलब हुआ कि ये हो गया ए वाले का फोर्थ हो गया, नहीं सॉरी बी वाले का, ए वाले का फोर्थ बोल रहा हूँ, ए वाले का हो गया आपका थर्ड, तो यहाँ थ्री, यहाँ नहीं नहीं ए वाले का हो गया बी वाले का हो गया थर्ड, ये बी वाले का हो गया, ए वाले का हो गया आपका फोर्थ,
ए वाले का फोर्थ, बी का थर्ड और ए वाले का फोर्थ यही है, देखिए सेकंड ऑप्शन आपको समझ में आ रहा, बाकी आप चेक कर लीजिए अपने आप सेट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल सिंथेसिस, कौन सी गैब्रियल सिंथेसिस से प्रिपेयर होगी? तो गैब्रियल सिंथेसिस के लिए आपको आइसोब्यूटाइलामीन लेना पड़ेगा, और आइसोब्यूटाइलामीन जो है इसमें प्रिपेयर हो जाएगा, तो आइसोब्यूटाइल प्रिपेयर नहीं, आइसो का मतलब 2 डिग्री हो गया, नहीं होगा, गलत हो गया। तो सिंपल सी बात है, मैं अगर इसकी बात करूं तो मुझे लगता है आइसोब्यूटाइल, अच्छा आइसोब्यूटाइल है, चलिए ठीक है, ब्यूटाइल मतलब ये प्राइमरी हुआ नहीं, पहले ये चेक करते हैं, ठीक है आइसोब्यूटाइल ये बन जाएगा, प्राइमरी है ये बन जाएगा, तो मतलब ये बन गया। और इसके बाद जो है 2-फिनाइल इथाइलामीन ये भी बन जाएगा, N-मिथाइल बेंजाइलामीन नहीं बन पाएगा, एनिलीन भी नहीं बन पाएगा, इसका मतलब ये दो नहीं बन पाएंगे, 1 और 2 बनेगा, तो आंसर नंबर फिर 24 का 1 होना चाहिए। इसके हिसाब से चल लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर चले आते हैं 24 के बाद 25वें क्वेश्चन पर आते हैं। 25वां क्वेश्चन हमारे लिए क्या कह रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो 25वें वाले का जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो सकता है कि होमोलोगट पूरा पढ़िए, मिथाइल साइनाइड इज रिड्यूस टू मिथाइल एमीन बाई, ठीक है हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये सही जाएगा स्टेटमेंट। उसके बाद मिथाइल आइसोसाइनाइड इज हाइड्रोलाइज्ड, नहीं ये नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होमोलोगस या होमोलोगेटेड 1 डिग्री एमीन इज ऑब्टेन इन द प्रोसेस, होमोलोगस ही बनेगा क्योंकि अगर कार्बन बढ़ाते हैं तो उसी कैटेगरी में 1 डिग्री, तो इसका मतलब आंसर नंबर ये हुआ 1 और सही हुआ थर्ड, सही हुआ, तो 1-3 कहाँ दिया, 1-3 ये दिया है, थर्ड वाला ऑप्शन इसका 25वें वाले का थर्ड सही होना चाहिए। देखते भी जाइएगा आप बाई चांस, मैं तो लगा रहा हूँ आंसर सीट इसके लास्ट में दी है, आप बाद में चेक करिएगा। द आर एन एस टू कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टू आर टू एन एच एंड नो अदर एमीन, आर एन एस टू कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टू आर टू एन एच एंड नो अदर एमीन, यानी इट इज द रिएक्शन विद आर एक्स, अगर मैं आर एक्स से करा देता हूँ तो पॉसिबिलिटी है, तो मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है, ठीक है। तो एक ये डन है, इट इज द रिएक्शन विद, ये भी पॉसिबिलिटी है आर एन आर टू एन एच, यानी कि फॉलोड बाय द रिडक्शन कराऊँ सी एस सी एल थ्री से, पहले तो एन सी बनेगा, तो पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी, यानी कि 2, तो सेकेंड ऑप्शन इसका मैं टिक करूंगा कि यहाँ पर 1 और 2 सही है, क्योंकि तीसरे वाले में पॉसिबिलिटी नहीं, वहां पर कुछ और ही कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आर एन सी बन जाता है, यहाँ पर आर एन सी बन जाता है, लेकिन इट इज द रिएक्शन विद सी एस सी एल थ्री फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, नहीं होगी, रिडक्शन होगा, ठीक ऊपर वाली है, बनता दोनों में ही एन सी है। नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड बाय द जिंक एंड एल्कोहलिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए आपको विशेष ध्यान इस पर देना पड़ेगा। तो 27 वाले का अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ, तो 27 वाले के ऑप्शन में क्या बनता है, C6H5 NH, NH क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोफिनाइल नाम भूल गया, फिनाइल हाइड्रेमाइड या हाइड्रोजीन कुछ ऐसे करके कंपाउंड है, नाम फिलहाल दिमाग से मेरे उतर रहा है, कंपाउंड NH ही बनता है, ये तो तय, एजोक्सी एजो हाइड्रेजो सॉरी हाँ हाइड्रेजो बेंजीन बोलते हैं इसे, हाइड्रेजो बेंजीन कंपाउंड इसमें बन जाता है। चूज द एराइल एमीन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इसमें से एराइल एमीन कौन सा है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें एराइल का मतलब बेंजीन से जुड़ा होना चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि 28 वाले में सभी जुड़े हैं, ये भी बेंजाइल ये डाइबिना ये सब लग रहे हैं, तो मुझे यहाँ फोर्थ वाले ऑप्शन पर मैं टिक कर दूंगा। इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर 1, 2, 3 यानी कि 1, 3 डाई नाइट्रो ये कंपाउंड है एमीन, इसकी अगर रिएक्शन कराता हूँ तो ये विच इज द बेस्ट रिएजेंट फॉर द सेलेक्टिव रिडक्शन, सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए बेस्ट मेथड कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेलेक्टिव रिडक्शन में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मतलब रिड्यूसिंग पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट का ही यूज किया जाता है, तो मेरे हिसाब से फिर इसमें H2S2NH3 का, क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइजिंग जाएगा, ये कुछ करेगा नहीं, ये भी ऑक्सीडाइजिंग, तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट फिर हम इसी को ही सेलेक्ट कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मोस्ट वोलेटाइल, इसमें कौन मोस्ट वोलेटाइल है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट वोलेटाइल इसमें सबसे ज्यादा वोलेटाइल इजिली इवेपोरेट होने वाला जो कंपाउंड होगा वो कौन हो सकता है, तो जो 1 डिग्री होगा, जितना डिग्री बढ़ेगा, जितना मॉलिकुलर मास बढ़ेगा उतना ही कम वोलेटाइल हो जाएगा, तो ये कम हुआ, ये कम हुआ, ये कम हुआ, तो 1, 2, 3 यहाँ 1, 2, 3 लेकिन NH2 है, तो हनी हाईली वोलेटाइल, मोस्ट वोलेटाइल तो ये एल्केन कैटेगरी है, ये तो फिर ज्यादा होगा, ये तो फोर्थ आंसर ही सही, यानी कि सेकंड ऑप्शन आप इस पर टिक कर सकते हैं।
ये आपके क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 30 हो गए। 30 के बाद चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 31 पे आते हैं। 31 क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग एमीन्स गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विद देयर अपीयरेंस गिवन इन द कॉलम सेकंड, द चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। यानी कि कहने का तात्पर्य ये कि इनके ऑप्शन आपको मिलाने, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, कौन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ए वाला है, एलिफेटिक लोअर गैस फॉर्म में होते हैं, तो 1 का 3 ऑप्शन देखिए, 1 का 1 का 3 दो जगह दे रखा है। फिर उसके बाद हम लोग चल लेते हैं एमीन्स 3 डिग्री लिटिल मोर कार्बन, यानी कि बी का जो ऑप्शन आना चाहिए, बी का ऑप्शन मेरे हिसाब से फिर लिटिल मोर कार्बन में आ जाएंगे, तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, यानी कि ये इसका 2 हो जाना चाहिए। तो फिर ऑप्शन नंबर 2 पे टिक करना, 32 का 31 का 31 का 2 ऑप्शन सही होना चाहिए। चेक भी करते जाइएगा, लास्ट में आंसर मिलाइएगा। 32 पे चलिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स फॉर्म मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड विद देमसेल्व, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में कौन बना सकता है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड प्राइमरी ही बनाता है, टर्सरी की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जो सिंपल लंबी चेन वाले कंपाउंड होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होना चाहिए। तो फिर सिंपल यही, बाकी सब डिवाइडेड दिखाई दे रहे हैं, 2 डिग्री 1 डिग्री एंड सो ऑन। एमीन्स आर द पोलर कंपाउंड बिकॉज ऑफ, एमीन्स पोलर कंपाउंड होते हैं, इसमें ऐसी क्या कंडीशन है कि ये पोलर कंपाउंड होते हैं। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि इसमें NH2 ग्रुप होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पोलर नहीं होते, पोलर NH2 ग्रुप की वजह से होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग यानी कि NH2 ग्रुप जो होता है, एन जो लोन पेयर होते हैं, वो इसको पोलैरिटी को डेवलप करने में मदद करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ऑब्लिक आर करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट होना चाहिए स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को मैं आपको अब होमवर्क में देता हूँ, इससे पहले भी क्वेश्चन दिया था वो भी होमवर्क में था। उसके बाद चले 36 पे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेसिस, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बेसिस, यानी करेक्ट ऑर्डर में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में 1 डिग्री फिर 2 डिग्री घटता है, क्योंकि सेफ सर्कुलर यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आप टेक करिएगा इसमें। तो ये 36 क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए हैं, लगातार कंटिन्यू हूँ आपके साथ में, वीडियो कम टाइम की लेकिन क्वेश्चन नंबर आपको बेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक इन एक्वस मीडियम, कौन सबसे ज्यादा बेसिक एक्वस मीडियम में कौन होगा। लेकिन एक्वस मीडियम की आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होता है, और 2 डिग्री यहाँ पर थर्ड में दिया हुआ है। तो 37 का जो है वो 37 का 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री हो गया, सॉरी 2 डिग्री, 2 डिग्री का मतलब ये वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन पर रहिएगा। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो करेक्ट ऑर्डर अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो करेक्ट ऑर्डर की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा थर्ड वाला, उससे कम होगा फर्स्ट वाला एंड सेकेंड वाला, यानी फोर्थ ऑप्शन। 38 का भी फोर्थ ऑप्शन ही मैं लगाऊंगा यहाँ पर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक भी करिए और इसको पढ़िएगा जरूर, इसका इम्पोर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये आ रहा है, इसलिए मैं इसको ब्रश किए दे रहा हूँ। और इस कंपाउंड को आप ध्यान भी दीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आप इसे नोट करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस, वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस का ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि 39 का जो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस, जो एच पॉजिटिव नहीं ले, तो ये भी ले लेगा, ये भी ले लेगा, साइक्लो है ये, इसके कंपैरिजन में ये ले लेगा, तो सबसे वीक फिर आपका ये वाला कंपाउंड हुआ वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। ये एसिड हो जाएगा इसलिए वीक बेस की कैटेगरी में काउंट होगा, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोन पेयर है, ये दे देगा स्ट्रॉन्ग, ये लोन पेयर अंदर चला जाएगा, लेकिन लोन पेयर तो है अवेलेबल, मतलब बेसिक तो है, ये तो पक्का कि बेसिक है, लेकिन लेस बेसिक हो गया, लेस वीकेस्ट बेस हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है। तो ये लोन पेयर की वजह से है, तो यहाँ पर ये लुइस बेस की तरह बिहेव करता है, लेकिन वीक होता है, ये भी लुइस बेस की तरह बिहेव करेगा, ये भी आपका लुइस बेस, लेकिन ये ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम रखेगा, एच पॉजिटिव देने की ज्यादा रखेगा। तो जो एच पॉजिटिव देगा वो स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड एसिड होगा, तो वीक बेस होना चाहिए। तो थर्ड पे ही आप टिक करिए मेरे हिसाब से, 39 का थर्ड टिक कर लीजिए। 40 पे चले आते हैं, द मोस्ट रिएक्टिव एमीन टुवर्ड्स द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अगेंस्ट ये कौन सा होगा। तो ये भी मैं आपको होमवर्क में ही दूंगा और करिएगा, इसका आंसर अभी आपको दिखा दूंगा, बाद में चेक कर लीजिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी, बेसिसिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो बेसिसिटी का जो करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग यानी कि एल केनामीन हो गया, उसके बाद एराइल एमीन, फिर वाटर। ठीक है, वाटर सबसे कम बेसिक होगा, तो सबसे फिर 42 का जो आंसर सेकंड ही मेरे हिसाब से, यानी कि एराइल एमीन फिर वाटर, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ वाटर सबसे कम ही होगा, तो वाटर सबसे कम दो जगह देकर दे रखा है, यहाँ एल्केनामीन एराइल एमीन वाटर, एराइल तो पहले हो ही नहीं सकता तो इसको भी काट दीजिए, एराइल यहाँ भी नहीं हो सकता। आंसर फिर सेकंड डेफिनेट है कि वही होगा। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट एसिड, कौन सा इसमें कॉन्जुगेट एसिड होता है, तो 42 की मैं बात कर रहा हूँ, 42 का 3 मैं देख रहा हूँ, 42 का 3, और 42 के 3 में अगर मैं काम कर लेता हूँ कि मुझे 3 सही लग रहा है। ठीक है, साफ दिख रहा है कि 3 ही है, कॉन्जुगेट एसिड है, फट से ये एच पॉजिटिव आयन और रिलीज कर सकता है, पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। इसके बाद चलते हैं कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी में चलते हैं 43। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, देखते हैं। चलिए 43 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 वाले में कह रहा है कि एमीन सॉल्ट आर द सॉल्युबल इन आइदर बट इन सॉल्युबल इन वाटर, एमीन सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन ईथर बट इन सॉल्युबल इन वाटर। तो ये स्टेटमेंट जो 43 का है, ये स्टेटमेंट घुलते नहीं, मतलब गलत है। ठीक है, तो एमीन्स हैव द अनशेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये स्टेटमेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम ड्यू टू विच द बिहेवियर लुईस एसिड, ना लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। बेसिक करेक्टर ऑफ द एमीन्स कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द टर्म ऑफ द केबी एंड पीकेबी, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात है कि इसमें हम लोग जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग देते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एमीन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एमीन कौन अफेक्ट कर देता है, तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस देखें, सॉल्वेशन देखें, इंडक्टिव, तो मुझे लगता है कि सभी फैक्टर जो होते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को, जैसे एक्वस बदल जाती है नॉर्मल कंडीशन में सेम रहती है, तो इसके लिए सभी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इसमें कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, करके दिखाइएगा। अभी तक 4-5 क्वेश्चन हो चुके हैं, जरूर करके देखिएगा, जरूर करके सेंड करिएगा इनबॉक्स में, कमेंट भी करिएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग भी माने जाते हैं। इन द केस ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन द बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द प्रोटोनेटेड एमीन्स, यानी कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सा होगा, तो मुझे लगता है कि ये बात तो ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ द ग्रुप्स लाइक COCH3 इंक्रीज द बेसिक, ठीक है ये भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप माने जाते हैं, द प्रेजेंस ऑफ द ग्रुप ये डिक्रीज कर देना चाहिए, ठीक है ये भी। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव पर मैं टिक करता हूँ कि सभी मुझे स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, और इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है, तो 47 पे अगर मैं चल लेता हूँ, तो 47 का जो ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए देख लेते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन्स रिएक्ट विद द एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड एस्टर बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन, एग्जैक्ट सही है। इसके बाद इन द एसाइलेशन रिएक्शन एमीन देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ द, ठीक है एसाइलेशन में होता है, तो यानी कि 1-2 दोनों ही सही है, तो करेक्ट ऑप्शन में 1 और 2 यानी थर्ड ऑप्शन हम लोग टिक कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 पे आइएगा। 48 पे अगर कंसंट्रेटेड यानी कि H2SO4 से मैं रिएक्शन कराता हूं, तो पैरा ये वाला कंपाउंड मिलता है। द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट, इसके लिए ट्रू कौन सी बात रहेगी, कौन सी बात सही बोल रहा है, तो मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर अगर ऐसे ही देखना चाहूँ तो SO3H जो होता है वो अपना बेसिक करेक्टर को लॉस करना शुरू कर देगा, यानी कि ये लगने से NH2 का बेसिक करेक्टर लॉस हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर था जो इजिली डोनेट कर सकता था वो नहीं देगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डज नॉट एग्जिस्ट स्वेटर एंड नहीं, यानी कि NH2 डिस्प्ले द पावरफुल बेसिक करेक्टर, नहीं डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कहीं है। SO3 डिमिनिशेस द बेसिक करेक्टर ऑफ द एमीन, इट डज नॉट एक्ट इन सॉल्ट, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन 48 में आप टिक करिए, यही ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर बनता है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट जेड, आइडेंटिफाइड द प्रोडक्ट जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें अगर मैं एसाइलेशन कराता हूँ तो NH C6H5NSCOCH3Br2 कराता हूँ तो आर्थो पैरा ब्रोमो कंपाउंड बनेगा, हाइड्रोलिसिस कराता हूँ तो इसका मतलब हो कि 49 पे अगर मैं चलता हूँ तो 49 पे पैरा पोजीशन वाला मेन प्रोडक्ट बनता है, आर्थो और पैरा बनता है, पैरा मेन बनेगा, तो पैरा ब्रोमो एनिलीन हमारा मेन प्रोडक्ट होना चाहिए।
पैरा ब्रोमो एनिलीन, क्योंकि हाइड्रोलिसिस इसलिए कराते हैं कि ऊपर जो COCH3 लगा है वो एसिटिक एसिड बन के निकल जाए, तो मेन प्रोडक्ट फिलहाल यही होगा, आर्थो वाला कम बनता है तो आर्थो को आप यूज न करिएगा। व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद द बेंजोइल क्लोराइड द प्रोडक्ट ऑब्टेंड इज, आपको पता होना चाहिए कि एनिलीन की रिएक्शन जब बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं तो बेंज एनिलाइड बनता है, पता है आपको बेंज एनिलाइड, यानी स्ट्रक्चर भी अगर आप देखना चाहो तो स्ट्रक्चर पे आपका CO बेंज एनिलाइड, पहले मैं एनिलीन लिखता हूँ, यहाँ पर ये एनिलीन हो गया और फिर यहाँ पर CO और यहाँ पर C6H5, ये बेंज एनिलाइड, यहीं पर अगर CH3 होता तो एसिड एनिलाइड बन जाता। Which of the following reaction belong to the electrophilic aromatic substitution reaction? इसमें कौन सी electrophilic aromatic substitution reaction है? तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि bromination ये भी वही है electrophilic aromatic substitution है, और इसके बाद coupling ये नहीं है, उसके बाद dihydration ये है, तो इसका मतलब फिर आंसर नंबर मेरे हिसाब से 51 का क्या होना चाहिए कि 51 का 1 होना चाहिए और 2, लेकिन डायजोटाइजेशन में तो पॉसिबिलिटी है नहीं, डायजोटाइजेशन तो कपलिंग रिएक्शन यानी पूछ गया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो कपलिंग में तो यानी कि बेंजीन उल्टा हम लिखते हैं, हाँ ठीक है, फिर तो ये ऑप्शन ही मेरे हिसाब से जाना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन सही जाना चाहिए। तो डायजोटाइजेशन अगर कराता हूँ तो C6H5N2Cl, यहाँ पर कोई ऐसी आर्थोपैरा पोजिशन पे तो होता ही नहीं, तो इसे काट दो, 1-2 ऑप्शन आपको मिलते हैं इसमें, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में। थोड़ा सा टाइम लेता है, जरा भी पढ़ने में गलती तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि यहाँ पर पढ़ने में छोटी सी मिस्टेक आप न करिएगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंडीशंस एनिलीन गिव द पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव एज द मेजर प्रोडक्ट, इसमें पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव मेजर प्रोडक्ट कहाँ दे रहा है, तो मैं आपको बताऊँ कि पैरा नाइट्रो मेजर प्रोडक्ट दे सकता है अगर मैं इसको प्रोटेक्ट कर लूँ, उसके बाद इसकी रिएक्शन करा दूँ, तो सिंपल सी बात है कि मुझे दिखाई देगा पहले वाला भी ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, और सेम कंडीशन ये भी, चाहे एसिटाइल क्लोराइड यूज करें चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करें, दोनों कंडीशन सेम है, तो 1 और 2 ऑप्शन यानी कि नंबर 1 ऑप्शन पर आप टिक कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन चल लेते हैं, क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छे हैं, इनको भी आप लगा डालिए जल्दी से। नेम द प्रोडक्ट फॉर्मड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ द प्राइमरी एलिफेटिक एमीन विद नाइट्रस एसिड, तो एल्कोहल मिलते हैं, यानी कि सेकेंड पार्ट इसका सही जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द सेकेंडरी एमीन, इसमें सेकेंडरी एमीन को डिटेक्ट करने के लिए आपके पास में ल्यूकास नाइट्रोजन कार्बल एमीन टेस्ट, तो इसका हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ पर 54 पे अगर मैं ऑप्शन देना चाहता हूँ तो 54 में लिवरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट ही बेस्ट आंसर होगा। और अगर मैं आगे देखूँ, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, बाकी तो है ही नहीं, देख ही रहे, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये CH3X भी डालते हैं इसमें, तो जो मेन प्रोडक्ट मिलता है यानी कि क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें मेन प्रोडक्ट जो है अगर इसको जोड़ भी देंगे तो क्वार्टनरी सॉल्ट मिल जाना चाहिए, ये भी H रिप्लेस हो जाएगा HI से, है कहीं, हाँ दिया, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट यहाँ पर मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन बाय द प्राइमरी एमीन, कौन सी प्राइमरी एमीन देती है, तो ये HNO2 भी रिएक्शन करता है, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन बाय द ओनली प्राइमरी एमीन, तो मुझे लगता है कि प्राइमरी एमीन ही केवल रिएक्शन देती है, तो प्राइमरी एमीन में जो ऑप्शन चलना चाहिए, दिमाग थोड़ा सा लगा लेता हूँ, प्राइमरी एमीन तो ये सेकेंडरी भी देता है, तो पॉसिबिलिटी HNO2 की है, मतलब ओनली प्राइमरी, तो ये तो सेकेंडरी प्राइमरी दोनों देता है, हटाओ ये भी दोनों दे देगा, ये भी दोनों दे देगा, तो एल्कोहलिक क्लोरोफॉर्म ये वाली रिएक्शन नहीं देगा, तो सेकंड ऑप्शन इसमें आप टिक करिएगा, चेक भी कर लेते हैं, इसमें नीचे ऑप्शन दे रखा है, चेक करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो द कार्बल एमीन रिएक्शन, इसमें कौन सी कार्बल एमीन रिएक्शन चली जाएगी, तो कार्बल एमीन रिएक्शन जो जाने वाली है वो अगर मैं बात कर लेता हूँ तो वो है आपकी कार्बल एमीन यानी कि फिनाइल एनिलीन कार्बल एमीन रिएक्शन शो करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इसमें कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो जो वीक बेस होगा वही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाएगा, तो 58 वाले क्वेश्चन को अगर देखिए तो 58 वाले क्वेश्चन में वीक एसिड का मतलब हुआ कि जहाँ लोन पेयर इन्वॉल्व, यानी कि ये पॉजिटिव साइन आ गया, यहीं पर लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर एक तो ये भी कंडीशन है कि इनके अंदर डीलोकलाइजेशन भी है, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पड़ोस में लगा हुआ दूर लगा हुआ, तो इसका मतलब इनमें से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ये तो काट ही दीजिए, हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है,
अब हम लोग डायरेक्शंस, ये वाले क्वेश्चन आपको, फिर आप ये कहिएगा कि सर छोड़ना दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 से 66 तक हमारी वही बात है कि बोथ असर्शन एंड रीजन अगर राइट होंगे तो फर्स्ट लगाइएगा और करेक्ट से उसका एक्सप्लेनेशन भी सही होना चाहिए। सेकंड में अगर दोनों असर्शन करेक्ट हैं लेकिन रीजन करेक्ट नहीं तो सेकंड लगाइएगा, दोनों वो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट तो थर्ड लगाइएगा, और दोनों ही गलत हो जाए तो फोर्थ लगाइएगा। अब 59 पे चलते हैं कि एमीन शो द बेसिक एंड न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर, एमीन्स बेसिक करेक्टर भी शो करता है और कौन सा करेक्टर न्यूक्लियोफिलिक भी शो करता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि एमीन्स जो होता है वो शो करता है बेसिक भी और न्यूक्लियोफिलिक, तो पहला सही हो गया। इन द एमीन अनशेयर्ड पेयर तो दोनों बातें सही हो गई, न्यूक्लियोफिलिक की ये कंडीशन हो गई, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दोनों यानी कि फर्स्ट इसका 59 का फर्स्ट, अब उल्टा यहीं से लगा लेता हूँ, 66 से चल लेता हूँ। 66 में क्या कह रहा है कि नाइट्रेशन ऑफ द एनिलीन गिव्स आर्थो नाइट्रो एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्रिड, यानी कि 66 वाले में अगर मैं कहूँ तो ये ठीक है, और NH2 ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ये भी ठीक है, लेकिन इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका दो आंसर, टू लगना चाहिए। 65 पे ये एल्यूमिनियम आयन ऑन द रिएक्शन विद Br2 गिव्स द मेटा आइसोमर, तो अगर मैं इसके एल्यूमिनियम आयन एनिलीनियम आयन दिया, एल्यूमिनियम आयन कैसे हो पाएगा, तो एनिलीनियम 65 में अगर मैं चलता हूँ तो बनाता है एनिलीनियम Br2 के साथ मेटा आइसोमर बनाता है, और NH3 पॉजिटिव ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग, तो डीएक्टिवेटिंग दिख ही रहा है, दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का बेस्ट एक्सप्लेनेशन ये मैं नहीं मान सकता, तो 65 वाले में अगर चलिएगा तो 65 वाले में यानी दोनों सही हैं, और देख लेते हैं एनिलियम आयन ऑन द रिएक्शन विद Br2 Fe गिव्स मेटा आइसोमर बनाता, ठीक है, और NH3 ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग, अच्छा ठीक है, मेटा इसलिए बना रहा है क्योंकि डीएक्टिवेटिंग है, चलिए ठीक मान लिया आपकी बात, यानी कि इसमें 1 रहेगा, और 59 वाले में क्या बोला था मैंने, 59 वाले में मैंने बोला था शायद, मुझे जहाँ तक याद है कि दोनों सही थे, रीजन भी ठीक था, तो इसका मतलब इसमें भी 1 था। 66 वाले में मैंने जहाँ तक अनुमान था कि ये इसका सही था लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं था, 2 थे। 64 पे चलिए, डाइफिनाइलामीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन, तो मोर बेसिक होती है, तो इसका मतलब पहला तो रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब कि डाइफिनाइलामीन इज लेस, नहीं सही है, डाइफिनाइलामीन इज लेस बेसिक, डाइफिनाइल है ना, ठीक है, एनिलीन से कम बेसिक हो गया, डाइफिनाइलामीन सेकेंडरी एमीन, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट से एक्सप्लेनेशन नहीं, तो 2 नंबर डाल दीजिए इस पे। चलिए इसके बाद चल लेते हैं 63 पे चलते हैं। 63 एरोमेटिक एमीन्स आर जनरली लेस बेसिक देन एल्काइल, तो स्टेटमेंट ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, तो इसका मतलब 63 का अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो ये दूंगा कि एसर्सन करेक्ट है लेकिन रीजन जो है इसकी वजह से नहीं होता बेसिक करेक्टर, तो इसका आंसर मैं 3 दे पाऊंगा। 62 पे चले आइए, ऑल द थ्री क्लासेस ऑफ द एमीन्स आर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोनर, व्हाइल द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन्स आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेप्टर होते हैं, तो यहाँ 62 की अगर मैं बात करूँ तो ये तो बात ठीक है, लो मॉलिकुलर वेट ऑफ एमीन सॉल्युबल ये भी बात ठीक है, लेकिन ये इसके एक्सप्लेनेशन नहीं माने जा सकते, तो यहाँ पर आंसर मैं 2 दे पाऊंगा, और एक क्वेश्चन ये 61 वाला अब आपके लिए है, आप 61 और 60 के आंसर मुझे भेजिएगा, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन जरूर बताइएगा, और एक क्वेश्चन की कैटेगरी कैसी लगी इनका भी जवाब आपसे मुझे चाहिए, और अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हैं और PGT के कैंडिडेट हैं तो PGT के एग्जामिनेशन लगातार लगे हुए हैं, 2023 में आपका सिलेक्शन होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं, लेकिन शर्त वही कि पढ़िए तो इस तरीके से पढ़िए कि आपकी प्रैक्टिस भरपूर रहे, तैयारी बढ़िया रहे, सही प्लेटफॉर्म पर आपकी तैयारी हो, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के तौर पर बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाते, पूरी रिविज़न के साथ में करिए, मेहनत के साथ में करिए और पूरे पैशन के साथ में करिए, समय दीजिए तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज आप कितने भी मेहनत करते रहिए और मेहनत तरीके से आपने नहीं की तो सिलेक्शन आपका डिसाइड नहीं हो सकता है। तो ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पर, हम आपको जरूर अपडेट देते रहेंगे, क्वेश्चंस नए नए चैप्टर्स के आपको बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना, चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।